हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद फरहत। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक स्ट्रीट फूड की रेसिपी, तवा पनीर बर्गर की रेसिपी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से झटपट बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है ये, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक तवा, ऑब्वियसली तवा बर्गर हम बना रहे हैं तो इसे हम तवा पे ही बनाएंगे। तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच ऑयल, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच ज़ीरा, साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच लहसुन, 1 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ी देर के लिए भून लेंगे इसे। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप कटा हुआ प्याज। इसे हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। प्याज हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। इसमें अब हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नमक। इसे भी हम भूनेंगे अच्छे से 3 से 4 मिनट, जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से गल ना जाए। टमाटर हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर की क्वान्टिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, साथ ही में ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 से 3 छोटे चम्मच पानी ताकि हमारा मसाला जले ना। इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे मसालों से ऑयल रिलीज हो जाए। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। इसमें अब हम ऐड कर देंगे 100 ग्राम पनीर, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज़ 1 कप, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। भूनेंगे इसे अच्छे से जब तक कि हमारा चीज़ मेल्ट ना हो जाए। चीज़ हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे हम और ऐड कर देंगे इसमें हम थोड़ी सा धनिया पत्ता, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है, अब हम बर्गर की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 बर्गर बंस। जितनी हमारी फीलिंग है उतनी फीलिंग में हमारे इस तरह के 4 बर्गर बनकर तैयार हो जाते हैं, पर यहाँ मैं आपको अभी सिर्फ 2 बर्गर बनाकर दिखाऊंगी। कट कर लेंगे हम इसे बीच से इस तरह से, इसे भी कट कर लेंगे। दोनों बंस को मैंने कट कर लिया है। इसके एक साइड में मैं यहाँ लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, आप चाहे तो इसकी जगह पे केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे अपनी फिलिंग जो हमने तैयार की थी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। बन के दूसरे साइड में हम लगा लेंगे मायोनीज, कवर कर देंगे हम इसे इस तरह से। वापस से हम तवा पे डालेंगे 1 चम्मच बटर, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और अपने बर्गर्स को हम रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। साइडों में भी हम लगा लेंगे थोड़ा सा इस पर बटर। एक साइड से ये हो चुका है, पलट लेते हैं इसे हम। दोनों साइड से हमारा बर्गर बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, ये देखिए। निकाल लेते हैं इसे हम बाहर। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा पनीर तवा बर्गर। इसे घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।